प्रसनीत न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। नमस्कार, मैं ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर देवास। जैसा कि आपको विदित है कि मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के अंतर्गत समस्त 23 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं के निजी खाते में 1000 रुपए की राशि प्रति माह प्रदाय की जाएगी। गौरतलब है कि विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा बहनें भी पात्र रहेंगी। इस योजना हेतु 25 मार्च के बाद नगरीय निकाय में वार्डवार एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में फॉर्म्स भरवाए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने हेतु 3 बिंदुओं पर कार्य किया जाना आवश्यक है। सबसे पहले आधार कार्ड में यदि नाम, लिंग या फिर उम्र गलत दर्ज है तो निकटतम आधार सेंटर पर जाकर हम इन 3 चीजों को सुधरवा सकते हैं। जिले में वर्तमान में 53 आधार सेंटर कार्यरत हैं। दूसरा, EKYC अपडेशन, मतलब आधार की जानकारी को समग्र की जानकारी के साथ मिलान करना। यह काम स्वयं भी वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। इसके अलावा CSE सेंटर्स, MP ऑनलाइन एवं आज की तारीख में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में सुविधा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, वहां जाकर भी EKYC किया जा सकता है। तीसरा बिंदु जो है वो है हमारे बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना एवं DBT एनेबल करवाना। इसके लिए निकटतम बैंक ब्रांच में जाकर DBT एनेबल करवाया जा सकता है अपने बैंक खाता, और साथ ही जो हमारे सुविधा के शिविर लग रहे हैं उसमें बैंक के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करके भी आप अपने ग्राम पंचायत में ही अपने खाते को DBT एनेबल करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने हेतु केवल आधार कार्ड और समग्र ID की ही आवश्यकता है। साथ ही जो EKYC का कार्य MP ऑनलाइन या CSE सेंटर्स पे या फिर ग्राम पंचायतों में हो रहा है वह शुद्ध रूप से निशुल्क है। यदि इस योजना के बारे में किसी भी प्रकार की दुविधा हो या फिर और जानकारी की आवश्यकता हो तो जिला के कंट्रोल रूम नंबर पर संपर्क हम कर सकते हैं। धन्यवाद।